हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। आप सभी का स्वागत है सीपीएस टेक्निकल में। आज आपके लिए एक जबरदस्त ऐप लेकर आया हूँ, वो भी गूगल का, वो भी जेन्युइन। उस ऐप में आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, बाद में चैट भी कर सकते हो, बाद में वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो, बाद में फोटो भी सेंड कर सकते हो। वो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। वो कैसा करते है चलिए आपको वन बाय वन बताता हूँ। चलिए आप एंड तक देखते रहिए, आपको सब पता चलने वाला है। आप आ सकते हो अपना मोबाइल स्क्रीन पर, आप देख सकते हो मेरा मोबाइल स्क्रीन। आने के बाद आपके पास गूगल का डू का वीडियो कॉलिंग ऐप नहीं रहे तो आप डायरेक्ट गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, चाहे प्ले स्टोर में जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं रहे तो, क्योंकि अभी हर मोबाइल में दे रहे गूगल डू का, लोलो तो नहीं रहे तो भी आप डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो। होने के बाद क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल डू का ऑप्शन आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद देख सकते हो गाइस ऐसा होम स्क्रीन आता है। होम स्क्रीन आने के बाद इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हो ऐसा अपना कैमरा ओपन होता है। ओपन होने के बाद देख सकते हो इधर तीन ऑप्शन है नीचे और ऊपर, इतना सारा ऑप्शन है। बोले तो उसको डायरेक्टली कुछ हार्ड बैठ सकते हो, चाहे फनी कुछ भी टाइम पास करना है तो आप इधर कर सकते हो। होने के बाद उसको वीडियो कॉलिंग के ऊपर क्लिक किया तो ये वीडियो कॉलिंग होता है। फिर नॉर्मल कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग बात करना है तो वॉइस कॉलिंग भी बात कर सकते हो। बाद में तीन नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हो आप ऐसा होम स्क्रीन आता है। आने के बाद देख सकते हो इधर फिल्टर भी लगा सकते हो, फनी करने का तो आपको कौन सा हिसाब से फिल्टर लगाना है आप लगा सकते हो। बाद में इधर कुछ भी टाइम पास करना है तो उसके हिसाब से आप कुछ भी लगा सकते हो। होने के बाद फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नोटिफिकेशन। बोले तो इसके ऊपर नोट, बोले तो आप जो भी लिखना चाहते हो, जो भी टाइप करके उसको उस कॉन्टेंट को भेजना चाहते हो, इधर डायरेक्टली ऐसे क्लिक करके लिख भी सकते हो। होने के बाद नीचे नेक्स्ट, होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वीडियो का। बोले तो आपको वीडियो बना के डायरेक्ट, बोले तो अभी टाइम नहीं, थोड़ा समय के बाद वीडियो कॉलिंग बात करना है उसको, आप वीडियो कॉलिंग करके आप डायरेक्ट उसको मैसेज भी सेंड कर सकते हो। बाद में इधर क्या ऑप्शन, बाद में ऑप्शन क्या है, फोटो। आप डायरेक्ट आपका फोटो क्लिक करके आप फोटो भी भेज सकते हो। बाद में नहीं रहे तो भी इधर और नीचे दिया बाजू में आइकन है, उसके ऊपर क्लिक किया तो डायरेक्टली वो आइकन ऑटोमेटिकली ओपन होकर तो आपका गैलरी में जाता है। गैलरी में से आप कौन सा भी फोटो डाल सकते हो। होने के बाद क्या है, वॉइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो भी वॉइस बोले तो वो डायरेक्टली वॉइस इस समय पे डायरेक्टली सेंड होता है। होने के बाद इतना ही था। चलिए फिर बैक आते हैं। आने के बाद देख सकते हो गाइस ऐसा होम स्क्रीन आता है। आने के बाद ऊपर टॉप साइड में तीन डॉट दिखता है, तीन डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसा एक होम स्क्रीन आता है। आने के बाद देख सकते हो ऊपर क्या है, व्यू कॉन्टेक्ट। बोलो तो इस कॉन्टेक्ट का जो भी डिटेल है, व्हाट्सएप में है चाहे नहीं, इसका मेन कॉलिंग से आप कितना बात की हो, क्या है इधर देख सकते हो। पहले तो व्यू फुल हिस्ट्री, बोले तो इसका डू कॉल से आप कितना बार वीडियो कॉलिंग की हो, चाहे मैसेज, चाहे फोटो, चाहे वॉइस वीडियो कॉलिंग आप कितना बार किए हो आप इधर देख सकते हो। फिर क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऐड टू होम स्क्रीन। बोले तो इस कॉन्टेक्ट को डायरेक्ट होम स्क्रीन में डायरेक्ट आपको डायरेक्ट उधर से क्लिक करना है तो क्लिक किया तो डायरेक्ट डू से वीडियो कॉलिंग लग सकता है, डायरेक्ट होम स्क्रीन में आप रख सकते हो। होने के बाद क्या है, नीचे का ऑप्शन ब्लॉक व्यू। बोले तो इसको कॉन्टेक्ट को आप ब्लॉक भी कर सकते हो इधर से। होने के बाद नीचे क्या है, होने के बाद गाइस इधर नीचे क्या है ऑप्शन, रिपोर्ट बुक। बोले तो ब्लॉक, बोले तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन, बोले तो इसको ब्लॉक करने से पहले इसको एक मैसेज नोटिफिकेशन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन का है गाइस रिपोर्ट ब्लॉक है ना, उसको ऊपर क्लिक किया तो बोले तो आपको जो भी आप कॉन्टेक्ट ब्लॉक करने से पहले उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा, वो आप ब्लॉक करने बोल के उसको पता चलेगा। बाद में क्या है, डिलीट डू हिस्ट्री। बोले तो इस डू से, बोले तो डू कॉल से जो भी हिस्ट्री है ना आपको डिलीट करना है, बोले तो इस कॉन्टेक्ट से सब इधर ऑल डिलीट होता है। होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है गाइस, क्रिएट ग्रुप। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्रिएट ग्रुप। क्रिएट ग्रुप का बोलो तो आपको जो भी कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे आपका जो भी बिजनेस है, आप इधर ग्रुप क्रिएट करके डायरेक्टली आप सभी से वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। इसके लिए फालतू का दूसरा ऐप लेने का जरूरत नहीं, ये तो जेन्युइन है, आपके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। होने के बाद क्या है नीचे, होने के बाद गाइस नीचे क्या है, सेंड फीडबैक। बोले तो आपका जो भी इसका वीडियो कॉलिंग में चाहे मैसेज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इधर फीडबैक भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, आपके हिसाब से आप ले सकते हो, दे सकते हो। होने के बाद बैक आते हैं। आने के बाद देख सकते हो इधर ऊपर फिर तीन डॉट दिखता है, तीन डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हो सेटिंग है, इनवाइट फ्रेंड, फिर प्रायर डू, फिर हेल्प एंड फीडबैक, चार ऑप्शन आते हैं। चार ऑप्शन का अंदर बोलो तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आपको जो भी गूगल डू में ऐड नहीं है बोलो तो उसको ऐड करना चाहिए। बोलो तो इनवाइट करते हो, बोलो तो आपका नया फ्रेंड है, आप इनवाइट करना चाहते हो तो नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक है तो और इनवाइट फ्रेंड होता, बोलो तो इनवाइट होता है। होने के बाद आपका डू जो भी प्राइवेट रखना चाहते हो वो आप इधर से क्लिक किया तो उधर ऑप्शन आता है प्राइवेट रख सकते हो। होने के बाद क्या है,
इस डोल से कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो एरर आ रहा है, कुछ तो वीडियो कॉलिंग नहीं जा रहा, आ रहा नहीं, कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप हेल्प ले सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, आपके सबसे रख सकते हो। होने बाद चलिए फिर आपका मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ऐसा होम स्क्रीन आता है, आने के बाद ऊपर का ऑप्शन क्या अकाउंट बोल के उसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद देख सकते हो फर्स्ट फोन नंबर बोल के आपको इसको गूगल ड्राइव से आपका फोन नंबर चेंज करना है तो आप इधर से फोन नंबर चेंज कर सकते हो। फिर नीचे गूगल अकाउंट बोल के आप गूगल अकाउंट ऐड नहीं रहे तो आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं तो ऐड कैंसिल करना चाहते बोलो तो ऐड कैंसिल कर सकते हो, बोलो तो डील इस गूगल से आप बोलो तो इस डूल से ईमेल ऐड नहीं रहने चले तो आप बंद भी बोलो तो ऑफ भी कर सकते हो, आपके सबसे रख सकते हो। होने के बाद गाइस क्या है, गाइस तीन नंबर ऑप्शन क्या है, तीन नंबर ऑप्शन के ऊपर बोले तो विद जीमेल ऐड बोले तो जो भी बोले तो आपके पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, उसका सिर्फ जीमेल आईडी है, उसका आपको उसको वीडियो कॉलिंग करना है बोले तो आपको डू से वीडियो कॉलिंग करना है, चाहे चैट करना, जो भी करना है तो आप इधर इस आइकन को ऑन रखा तो आप वो पर्सन आपको वीडियो कॉलिंग कर सकता है, चाहे बात कर सकते, जो भी डू से आप कर सकते हो। वो ऑफ रहे तो जीमेल से कुछ कर नहीं सकते, मोबाइल बिना मोबाइल नंबर से जीमेल से आप बात भी कर सकते हो। होने के बाद क्या है, टीवी साइनिंग इन है ना, उसके ऊपर क्लिक किए तो बोले तो आपका डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग टीवी से भी होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इतना ही, नेटवर्क से आप टीवी को कनेक्ट कर रहे हो उस नेटवर्क से मोबाइल को भी कनेक्ट रहना चाहिए तभी ये ऐप काम करता है, नहीं तो काम कर नहीं सकता। इसलिए आपको चाहे तो ऑप्शन डायरेक्ट टीवी रहे तो आप टीवी से भी डायरेक्ट डू से कॉल कर सकते हो आपके हिसाब से। होने के बाद क्या है, रिमूव इन गूगल अकाउंट बोलो बोले तो वही बोला था आपको डायरेक्ट गूगल डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो, बोले दूसरा डालना है तो भी आप ये डू से जीमेल आईडी दूसरा डाल सकते हो। होने के बाद क्या है, डायरेक्ट मेन हिस्ट्री बोले तो उसके ऊपर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक किया तो ऐसा आता है, ऐसा आने के बाद जिसमें डू से जो भी हिस्ट्री है बोले तो कितना वो किसको लोग आप कॉल किए हो, कितना लोग को वीडियो चैटिंग किए हो, वॉइस मैसेज आदर्स कुछ भी किए रहते तो डायरेक्ट इधर डिलीट बोल के ऑप्शन है ना, आप सब हिस्ट्री डिलीट होता है बोले तो ऑल हिस्ट्री डिलीट है, फिर इसका ही हिस्ट्री डिलीट होना है तो इसका भी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, उसके अंदर आपका कौन सा चाहिए आप इधर कर सकते हो। फिर ऊपर का ऑप्शन क्या है, इधर आप बोले तो अभी जिस नंबर से आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो बोले तो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे अदर्स कोई भी हो, आप उसको बार बार वीडियो कॉलिंग करते रहते हो बोले तो बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट होना चाहिए बोले तो इधर ऑप्शन दिया 30 डेज एंड 60 डेज, वो आपके हिसाब से 30 डेज में डिलीट होना है हिस्ट्री बाद में बोलो तो आप 30 डेज रख सकते हो, नहीं तो 60 डेज रखना है तो आप 60 डेज रख सकते हो, वो आपके हिसाब से आप रख सकते हो। चलिए मेरे को कुछ रखना नहीं, मैं आता बैग। आने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हो इधर क्या है, डिलीट डू अकाउंट बोले तो इस अकाउंट पे जो भी आपको डिलीट ही करना है तो आप इधर डिलीट कर सकते हो। बाद में चलिए बैग आते हैं, उसका अंदर क्या है, कॉल सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इधर देख सकते हो ऊपर ऑप्शन क्या है आपका बोले तो ये क्या है, फॉर दिस डिवाइस बोले तो आप जिसको भी वीडियो कॉलिंग कर रहे बाद में वो वीडियो कॉलिंग कर रहे और डायरेक्टली आप वो उठाने से पहले आपका होम स्क्रीन दिखता है बोले तो आपका कैमरा ऑन ही रहता है, उसको दिखते रहता है उठाने से पहले, वो आपको ऑन रखना ही चाहिए ऑफ रखना है इधर आप रख सकते हो। दिस डिवाइस फॉर दिस डिवाइस है ना, उसके ऊपर नीचे क्लिक बोले तो ऑन रखो तो डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग से पहले आपका जो कैमरा ऑन रहता है देख सकता है वो तुमको वीडियो कॉलिंग उठाने से पहले, दिखाना चाहते बोले तो इधर ऑफ कर सकते हो आपके हिसाब से आप रख सकते हो। होने के बाद ये क्या है, नॉर्मली देख सकते हो इधर ये तो क्या है, नीचे का क्या है, डाटा सेविंग मोड बोले तो आप इधर डाटा सेविंग मोड ऑफ रहे तो आपका ऑन रखिए, क्यों बोले तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी डाटा ज्यादा वाईफाई वगैरह है तो डाटा ज्यादा लेता है, जहाँ डाटा आपके पास थोड़ा ये नेट है आपको एक मैसेज भेजना है 5 मिनट के लिए बोले तो आप इधर सेविंग डाटा आप रख सकते हो ऑटोमेटिकली, उतना जितना चाहिए उतना ही होता है ऑटोमेटिकली, बाद में वो बैकग्राउंड में डाटा लेता नहीं है, वो आपके हिसाब से आप रख सकते हो। होने के बाद नीचे क्या है, नोटिफिकेशन होने के बाद इधर देख सकते हो बोले तो इस डू को आप नोटिफिकेशन कौन सा ऑन रख सकते हो कौन सा ऑफ रख सकते हो वो आपके हिसाब से आप रख सकते हो। हम आपको कुछ नहीं दिखाना चाहिए बोले तो अकाउंट अपडेट है वो अकाउंट अपडेट बोले तो उसका अपडेट कुछ आया तो इधर नहीं दिखता है, फिर आपका जो भी मैनुअली ग्रुप बनाना है सब इधर ऑल अराउंड सब दिखता है, जो आपके हिसाब से नोटिफिकेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो आपके हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये तो कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इतना जरूरत नहीं लगता है, मेरे को इतना लगता है। नेक्स्ट सेटिंग क्या है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ऐसा होम स्क्रीन आता है, होम स्क्रीन आने के बाद इधर लाइट मोड डार्क मोड फिर आपके सिस्टम चेंजेस बोले तो आपके हिसाब से डार्क मोड भी रख सकते हो। बाद में होने के बाद
लाइट मोड भी रख सकते हो, बोले तो आप मोबाइल डार्क मोड किया तो भी ये लाइट मोड ऑन ही रहता है, इसको ऑफ कर नहीं सकते, आप इधर डायरेक्ट सेटिंग में आके किया तो ही होता है, नहीं तो सिस्टम बोले तो सिस्टम के ऊपर रखते तो आप सिस्टम के हिसाब से कैसा डार्क मोड रहे तो डार्क मोड होता है, नहीं रहे तो नहीं होता है, वो आपके हिसाब से। ब्लॉक यूज बोले तो जिस पर्सन को आप जो भी ब्लॉक किए हो ना वो इधर दिखता है, जितना लोग को आप ब्लॉक किए वो दिखता है, आपके हिसाब से आप देख सकते हो। होने बाद चलिए गाइस, चलिए गाइस इतना ही था, आपको कुछ सेटिंग पता चला क्या नहीं चला आप वीडियो में कमेंट में आप बोल सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।